अगर भाई आप गांव को आगे ले जाना चाहते हो और एक सच में ईमानदार आदमी चाहते हो तो भाई मेरा साथ दो। के पांच वीके का आग रही थी पेन गोडा गोडा नु था को रिश्ते आला भी आ जा तनु कहा था बरा किसी जगह छोरा ब्याह दिया डत के घर ग्यार है ऐसा बंदा साथ रखूंगा। जो भी ईमानदार आदमी हुआ समाज में चाहे वो वाल्मीकि समाज है चमार समाज हर एक समाज से बड़ा पूरी टीम काम करेगी। मैं अकेला बंदा काम नहीं करूंगा, मेरे साथ पूरी टीम काम करेगी। जैसे अब चौधर का लठाने की बात है ना, आदमी के विचार ऑटोमेटिक बदल जाते हैं बिल्कुल। तो लेकिन साधा ना हो जाए कदे चौधर का लठाते यार भाई या चीज तुम हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल देखने वाला भाई प्रीतम नगर की राम राम। तो भाई मैं कैमरा मैन तो कहूँगा स्पेशल अगर एक बार कैमरा चुकर दिया घुमा दे नो दिखा दे हम कौन से गांव में आ रहे हैं भाई। हमने भी नहीं बेरा कौन से गांव में हमारे हैं ये हम पहला यह बात आपने बता देंगे तो फिर वीडियो में इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि भाई आप पता लग गया होगा भाई बीसी में जनरल में ईव की बढ़िया एसी में भी मतलब कि भाई कुछ गाँव में बीसी मारी कुछ गाँव में जनरल मारी है और कुछ गाँव मारी है एसी कास्ट में। तो भाई हम आए हैं गोपालपुर तो भाई मैंने बता भी दिया और भाई तो और भी जो अता पता है गांव गांड का वो अपना सारा बताऊंगे और किसकी मुँह जवानी जो भाई सरपंची में उठेगा भाई आज के टाइम आ रही है भाई लेडीज में सरपंची। तो भाई तो बात करूँगे बुजुर्ग हमारे बैठे हैं नौजवान साथी भी हैं भाई किसा के गांव में प्रोग्रेस बनी या ना बनी भाई जो पहला सरपंच था उसने किसा काम करया किसा ना करया भाई किसी आदमी ने भाई गाँव वाले सुनना चाहे हैं। तो मैं कैमरा मैन तो कहूँगा एक बार मेरे पीछे पीछे आज एक बार भाई कैमरा मैन तक एक बार कैमरा चुकर दिया घुमा दे भाई जितने भाई अड़े बैठे हैं सारे ने एक बार दिखा दे राम राम भाई सारे घुमा दे भाई चुकर दे गए पीछे ताई घुमा दिखा दे भाई। और तो भाई हमारे साथ भाई बैठा है जो कि सरपंच के उम्मीदवार हैं तो नमस्कार बड़े भाई। नमस्कार भाई महिला की नहीं पहली बात तो यहाँ की जेंट्स की सरपंची अच्छा, है जनरल की और जेंट्स की है अच्छा हाँ जी। तो बड़े भाई हमारे दर्शक आपका नाम गोवांडा जिला तहसील के बारे में जानना चाह रहे हैं। भाई मेरा नाम सचिन है गांव गोपालपुर जिला सोनीपत और अपना स्टेट हरियाणा है अच्छा हाँ जी। तो बड़े भाई क्या कहना चाहोगे भाई की बढ़िया जो आई है सरपंच इसमें कुकर के कार्य मतलब करवाना चाहोगे के आस उम्मीद गाँव वाले की आप गिल्ला गाँव वाले की भाई पूरी उम्मीद बनी हुई है ऐसा नहीं हमने अभी खड़े हुए हैं बहुत समय से खड़े हैं अर्घ भाई गाँव निवासियों के साथ सबके साथ मिलजुल कर काम करते आए हैं भाई। गाँव तो हिस्सा होता गाँव को सबको पता है मैंने अपनी युवा टीम बनाई थी टीम के साथ मिलकर गाँव में बहुत सारे काम किए हैं जैसे कि अपनी शमशान घाट में मैंने 1.5 एकड़ में पूरी वाटिका टाइप बना दी है आप कवरेज भी ले सकते हो आगे गवर्नमेंट स्कूल के सामने पेड़ पौधे लगाए उसकी तारिंग वांगी बॉर्डरिंग करके 3-4 हाईवे माटे डलवा कर वहाँ पेड़ लगवाए हैं। और भाई अपने जो पुराने देवता थे कुशालदास होगी माता होगी सारे युवा साथियों गाँव वासियों के साथ सहयोग करके वे बनवाए हैं। और भाई कोरोना बीमारी चली थी सरपंच ने हमारे ना बाद में स्प्रे करा था जब तक हमारे युवा साथियों ने मिलकर गाँव में कोरोना का स्प्रे करा दिया था ये नहीं देखते हुए कोई परिलर दूसरी पंचायत है या उरली या दूसरी है दोनों पंचायतों में कोरोना स्प्रे करवाया था भाई। 2-2.5 साल पहले हमारा जो पुरानी दूसरी पंचायत में एक स्टेडियम होता है पुराना उसमें बहुत ही बुरा हाल था कि कर जम रही थी जाड़े जम रहे थे वो अपने हाथों से हमारे युवा टीम ने मिलकर काट फटाई करके सारी साफ सफाई करके बच्चों के लायक बनाया था। ऐसा नहीं कि हम भाई बच्चा ने कभी लगे हैं हमारी टीम गाँव के लिए पहले से ही काम करती आई है। तो बड़े भाई आपके दिमाग में यह चीज़ थी भाई हमारे गाँव में ये सुविधा ना हुई उस हमारे आप सरपंच में उठे हुए भाई गाँव वाले की सेवा करना चाह रहे भाई हमारी सोच गाँव में की सेवा करने की है और ईमानदारी से सेवा करने की है हमारा काम रहेगा गाँव में काम कराना। हमने भाई पहले भी पूरे गांव में स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई हैं और गांव की सफाई के लिए 3-4 वर्कर भी लगाए थे जो कि 20-22 दिन काम करा गांव में आपसी फूट के कारण वे बंद करने पड़े और गांव में अगर सत्ता में आओगे तो उस चीज़ को प्रॉपर रखेंगे और गांव में भी कूड़े की गाड़ी लगाओगे जो कि अपने घर घर जाकर कूड़ा उठाओगे जो इधर उधर हमारा कूड़ा पड़ा वो ना दिखाई दे। मेरी यही सोच रहे कि गाँव का जहाँ से भी गेट की एंट्री हो वहाँ पर पेड़ पौधे हरियाली हो मेरा गाँव का मेरा एक ही सपना है हरा भरा और जगमग गाँव हो अपना साफ सुथरा स्वच्छ गाँव बनाकर मैं अपने गाँव को आगे ले जाना चाहता हूँ। तो बड़े भाई ऐसा क्या ना करे पिछले जो सरपंच आ रही थी पिछली सरपंची तो उसमें ऐसा क्या ना जो आप करना चाहोगे
भाई पिछली सरपंची जो आज तक हमारे गांव में बने हैं उन्होंने अच्छी तरह ईमानदारी से कोई काम नहीं करे हैं। अच्छा। ना तो को गलियों की व्यवस्था अच्छी, ना को गलियों की साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी, ना कोई नालियों की, सब कुछ बहुत ही ज्यादा खस्ता हालत में है। ना कोई बच्चों के लिए खेल का ग्राउंड है, ना कोई लेडीजों के लिए, कुछ भी नहीं है। अच्छा। मैंने बताना चाहूंगा, मैंने गाँव की ये नहीं भाई आज ही शुरुआत की है, हमारे गाँव में मैं 10-12 साल से जब से संभाला गाँव के मंदिर की भी सेवा करता आया हूँ। गाँव के मंदिर के लिए मैंने लगाई, उन्हें हमारी लेडीजों ने माता बहनों ने बोला था भाई मक्खियाँ लड़ती हैं, काटती थी वहाँ पे मुखिया बहुत ज्यादा हो जाती थी, वहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से शीशे लगवा कर जाली के दरवाजे लगवाए, लोग भी प्रॉब्लम होती थी, नया समरसीबल लगवाया, नलका लगवाया, लाइट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, सारे मंदिर में लाइटें लगवा दी। अच्छा। हाँ, फिर लेडीज हमारी कीर्तन करने लगी, मैं ज्वाला माता पे गया था, वहाँ से जोत लेकर आया था 2-2.5 साल पर नवरात्रों में, तो फिर मैंने पूरे गाँव की परिक्रमा करवाई थी, दूसरी पंचायत में भी और अपनी पंचायत में भी, माता रानी का सभी को दर्शन कराए थे भाई जितनी ज्यादा संख्या में दर्शन हो जाए। उसके बाद से लगाइयों में हमारे गाँव में हमने कीर्तन स्टार्ट करवाया, हमारे गाँव की लेडीजों में उत्साह हुआ भाई, कीर्तन करने लगी, तो मैंने उनकी मंडली के लिए ढोलकी गाजे तासे बजाने सब कुछ दिया। अच्छा। उनकी मांग हुई भाई बैठने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तो फिर मजा कर रतनगढ़ बड़वासिनी था फैक्ट्री था, नए बढ़िया गद्दे ले कटवा गया, गद्दे डाले भाई आराम से, आप कीर्तन करो, आप लोगों के साथ हूँ। आप आने वाले टाइम में भी लेडीजों के लिए मैं चाहता हूँ कि मंदिर की भी अपने स्पेस बढ़ाया जाए, एक शनि महाराज का और हनुमान जी का भी मंदिर बनाया जाए। तो बड़े भाई गाँव वाले का यो कहना है भाई वाद्य तो सब कर दे लेकिन को करता था कौन है हमारे काम है, हमारे काम और गली यार कह दे भाई गली बनवाऊंगे, ये करवाऊंगे, वो करवाऊंगे, नुगे नुआ दूरे रहे हुए हैं, बोला कह सब जाओ लेकिन करता कोई कौन कह तो सब जाओ जी, मैं वो बात नहीं कहता, मैंने तो पहले काम करवाए हैं, मैं वो काम करवाने लग रहा हूँ। 10-12 साल से जो भी गाँव में हमारा कुत्ते हैं उन पर कीड़े पड़ गए उनकी दवाई मेरी पूरी टीम साथ खड़ी रहती है, गऊ माता होगी कोई बाछड़ा हो गया उनकी दवाई बूटी, अगर यहाँ हमसे इलाज नहीं होता तो हम दादरी तो वहाँ पे एम्बुलेंस बुला के भेजते हैं, अपने खर्चे पर हमारी टीम हमेशा साथ रहती है। तो युवा बड़ा जो हमारे आपके साथ सपोर्ट में खड़े होंगे तो उनके खातिर क्या करवाओगे अगर सरपंच बन जाओ? युवा बच्चों के लिए मैंने पहले भी बहुत किया है, लॉकडाउन से पहले की बात है, हमारा ग्राउंड होता था, ग्राउंड में क्रिकेट के लिए मैंने युवा बच्चों के लिए बैट बॉल की किट ला के दी थी, पैड ला के दिए थे और बोले ला के दी थी। अच्छा। फिर युवा टीम एक और इकट्ठी हुई बैडमिंटन खेलने के लिए, उत्सव थी उनके लिए चढ़ी ला के दी थी और लाइटें लगाई थी भाई तुम खेलो। अच्छा। युवा बच्चों के लिए मेरा हमेशा साथ रहा है, युवा बच्चे हमारे बैठे हैं, इस बात में एक भी झूठ हो तो बच्चों से पूछ सको। तो बढ़िया भाई कितनी की ईमानदारी कितनी ना है वो तो जनता डिसाइड करेगी, वो कहा अगर है बोला भाई अपनी बढ़ाई करने में कुछ ना जाना जाना होता, जो हमारे दर्शक आपके गांव वाले जो देखेंगे वीडियो ने वे बता देंगे भाई किसा के छोरा है, किसा के काम करवाओ किसा ना करवाओगा, वो तो उनकी आसमीद पर डिपेंड करे है। और भाई हमने तो भाई की जो बात थी वे आप आगे रख दी है भाई किसा के है, भाई के विचार सुन लिए, और भाई जितने मेरे भाई है वे कमेंट में जरूर बताइयो अगर भाई आपके सहयोग में कितना खड़ा रहा है और आगे भी अपना कितना सपोर्ट करेगा कि गाँव वाले देख रहे हैं, तो क्या संदेश छोड़ना चाहोगे लास्ट में? भाई मेरा यही संदेश आज जोड़ से गांव वासियों से ये विनती है, अगर भाई आप गांव को आगे ले जाना चाहते हो और एक सच में ईमानदार आदमी चाहते हो तो भाई मेरा साथ दो, जैसे पहले काम किए हैं इससे आगे बहुत ही अच्छे काम करके दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की। और तो भाई हमारे साथ जुड़ गए गांव वाले गोपालपुर के गांव के जो हमारे युवा हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमारे साथ बैठे हैं, जो भाई ने बात बोली थी भाई मैंने ये कार्य करवाए ये ना करवाए, भाई मैं ये करूँगा भाई चंडीगढ़ बना दूंगा गांव ने, भाई की बात हम कितनी सच्चाई कितनी ना है, तो ये हमारे ताऊ चाचा बैठे हैं भाई युवा बैठे हैं उन तक बात करेंगे, तो नमस्कार दो ना बात है। तो क्या कहना चाहोगा था वो भाई ने जो बात बोली है भाई गांव के लिए मैंने ये कार्य करवाया तो कार्य करवाए हैं जो सच्चाई बोली है। अच्छा बिल्कुल करवाए हैं। अच्छा तो हमारे जो युवा हैं भाई उन बात करेंगे, तो नमस्कार भाई। राम राम भाई साहब। तो क्या नाम भाई आपका? भाई मेरा नाम जोगिंदर है लेकिन गाँव में काले के नाम से जानते हैं। तो भाई आपने क्या लगा आप मतलब नया यूथ हो तो भाई युवा का मतलब ज्यादा सपोर्ट रहा अगर सरपंच के पीछे, तो आपका क्या कहना है? भाई देखो वैसे भाई को फुल सपोर्ट है, भाई ने जो काम बोले वे कराए भी हैं। अच्छा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, गारंटी तो किसी की नहीं ली जाती, रिश्ता होता है, रिश्ते से पहले लड़के वाले बोलते मेरा लड़का जॉब करता है ये करता है तो उसका दिखावा कुछ होता है रिश्ते से पहले, लेकिन रिश्ता होने के बाद बात और तरह की हो जाती है। अब इसका काम कर रहा है जैसे इन्होंने भाई गांव में की चैनियों का भी काम अच्छा किया, मंदिर का भी किया, या अपना कुलादास इसका भी अच्छा किया, इन्हें जो भाई कुत्ता है बिल्ली की सेवा कर रहा है। तो लेकिन मेरे भाई बनने के बाद वो कहते हैं ना कि चौधर का लठाने के बाद है ना आदमी के विचार ऑटोमेटिक बदल जाते हैं। बिल्कुल।
तो लेकिन साधा ना हो जा कदे चौधर का लटाते यार भाई, या चीज तुम आपको खुद कह रहा, ये तो भाई भरोसा अपने पे भी नहीं किया जाता। मैं खुद कहता मैं भी भरोसा नहीं कर सकता भाई, बनने से पहले मैं भी हाथ जोड़ूंगा लेकिन बनने के बाद मेरे भाई विचारधारा ऑटोमेटिक बदल जाती है। और हमारे गांव में सरपंच जितने भी आए हैं भाई, काम सब ने किए हैं, मैं किसी काट नहीं करता, काम किसी ने किए। वो नहीं है भाई घर में किसी ने दो रोटी कम खा ली, किसी ने को दो रोटी ज्यादा खा ली, काम हर एक करता है। हमारे गाँव में दो समस्याएं हैं, उनका समाधान मतलब भाई भी वादा कर दे, भाई के उसमें भी नहीं है भाई कर देगा। सबसे पहली समस्या है गांव में गंदे पानी की सप्लाई, क्योंकि हमारे गांव के जैसे आपने पता प्रीतम भाई गाँव वासी ना पता है, गंदे पानी की निकासी गांव में जैसे या तो ड्रेन हो या नाला हो तो हमारे गांव में वह सुविधा है नहीं। अच्छा। या फिर पंचायती जमीन में कोई ड्रीम बने, मतलब कोई ड्रीम सेंटर बने, तो पंचायती जमीन की हमारी पंचायत दो पंचायतें हैं, एक उधर रिजान पंचायत है, हमारे गोपाल पर वन है। तो हमारे गांव में पंचायती जमीन भी नहीं है, तो पानी की समस्या है। वादा हर एक कर देते हैं, जैसे बरेंद्र भाई थे, बरेंद्र भाई को पिछली बार उन्होंने सपोर्ट किया था, गांव के सरपंच बने थे, उन्होंने पाइपलाइन भी दबी थी लेकिन वे पाइपलाइन चली गई दूसरी पंचायत में। अच्छा। तो उस पर फिर वही वाद विवाद हो गया। तो पानी की जो सप्लाई है, पानी की निकासी है, उसका कोई भी समाधान नहीं है। वो तो ऐसा को सरपंच अकेले सरपंच नहीं, पूरे गाँव के सहयोग से, गाँव के साथ साथ आठ मतलब नाला लगे, या तो वो आठ नंबर ड्रेन थाना जाकर पड़े या फिर छोटी एक विद्रोह वहाँ पे टच हो। अच्छा। तो पानी की निकासी का प्रावधान तब हो सका, लेकिन अब वो भी होना मुश्किल है। आपने नहीं लगता जब सरपंच जान हो जाए, जब ये काम करवाना भाजन सरपंच सारी भाई यहाँ तक कार ऊपर भी है, जगह ऊपर नेता ने देख ले तू, सरकार जान हो जाए तो सब घोषणा कर यार मैं इतनी अगली उस समय सरकार, वो तो फिर जनता ने देखनी है, जनता ने देखनी है भाई के साथ है, युवा है, इसकी विचारधारा लग रही है ठीक है। देख भाई हम ना कहते सरपंच सरपंच ही सपोर्ट में, गांव वाले यही सपोर्ट में रहेंगे भाई। गांव मेरी बात सुनो, वाका है ना सरपंच एकला कुछ नहीं कर सकता, और अगर गांव का सहयोग हो ना, सरपंच अगर नहीं करवाना चाहता लेकिन पूरे गांव का सहयोग हो तो उसमें सरपंच की नहीं चलेगी, पूरे गांव की चलेगी। आप एक चीज बता दो, एमएलएमपी के पास एक सरपंच चला जाता उसकी वैल्यू नहीं होगी, गांव के एक आर सौ आदमी चला उनकी वैल्यू होगी, उनकी वैल्यू होगी। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार। तो हाँ तो क्या कहना चाहोगे भाई ने जो बात बोली है, भाई मैं गांव तो ये काम करवा दूंगा, ये मन काम कर दिए भाई आगे भी करवाता रहूंगा। भाई देखो ये भाई ने जो काम करे हैं, जो इसने बताई है वे सारे हकीकत है। अच्छा, झूठता ना बोल रहा है कदे भाई सरपंच के मारे झूठ बोलता हो? ना ना झूठ नहीं बोलता भाई, याददाश्त कम है। अच्छा। जो कर यो भाई बोल गया, इतना मेरे तो नहीं बोला था, ना बोला था ना मेरे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये जो लड़का है ये एक नंबर का लड़का है। अच्छा। किसी चीज का कोई ऐब इसके अंदर नहीं है, बीड़ी कान, सिगरेट कान, दारू कान, क्या है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हम तय दिल से इसके साथ हैं। अच्छा तो नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब, तो क्या बात रखना चाहोगे आप भाई के बारे में? भाई साहब जो है सचिन बहुत अच्छा लड़का है, इसने सारे काम बढ़िया करे हैं, इन्हें सफाई भी करवाई गांव की, और भाई जो जो क्या नाम है इसका, अरे जो शमशान घाट भी काम करवाया है इसने, सारा सब बहुत अच्छा काम करा है। बहुत बढ़िया भाई, विचार लगे भाई। देखो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करा है भाई, एक ला तो सरपंच बनता रहा, क्योंकि जब जनता सपोर्ट करे अगर ना किसी ने, तो जब भी भाई कुछ बनाएगा भाई, और जब भी कुछ काम कराएगा, जो इस भाई ने काम गणवाए हैं उनकी भी कमेंट हम बताइयो, और जो अगर आप ना उम्मीद लग गया है कि यो भाई भाई हमारी उम्मीदा पैर भाई जो भाई ने बात बोली है उन पर खरा तो रहेगा, तो वे भी आपने कमेंट हम जरूर बताने, यार वीडियो ने ज़्यादा शेयर कर दियो, और तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूले, तो हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखना भाई प्रीतम नागर की। राम राम भाई।